रूबरू कराएंगे इलेक्शन ब्रेकिंग में बड़ी जानकारी। चरखी दादरी में राहुल के सामने कांग्रेस की गुटबाजी नजर आई है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। रावदान सिंह और किरण चौधरी के बीच तनातनी देखी गई है, तो वहीं आपको बता दें कि मंच पर दोनों नेताओं के तलख तेवर देखे गए हैं। आज राहुल गांधी हरियाणा के धरती पर पहुंचे हैं और उनके सामने गुटबाजी का पूरा मामला, रावदान सिंह और किरण के बीच तनातनी मंच पर दिखे दोनों नेताओं के तलख तेवर। कुछ दिन पहले ही किरण ने नाराजगी जाहिर की है टिकट न मिलने को लेकर, नजरअंदाज करने के गंभीर कई आरोप भी लगाए हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर एक बार फिर से राहुल गांधी के सामने ये तलख तेवर देखा गया है। ये देखिए तस्वीर भी सामने आ गया है कि किस तरह से यहां पर राहुल गांधी बीच में बैठे हुए हैं और दोनों नेताओं की ओर से यहां पर तलख टिप्पणी की जा रही है। आपने सामने दोनों नेता दिख रहे हैं और यहां पर राहुल गांधी को इन दोनों को संभालना पड़ा, इन दोनों नेताओं को। तो ये बड़ी जानकारी आपको इलेक्शन ब्रेकिंग में दे रहे हैं। कुछ दिन पहले ही नाराज बताई जा रही थी किरण चौधरी टिकट ना मिलने को लेकर, लेकिन अब ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करता हुआ अपने आप में। नजरअंदाज करने के गंभीर आरोप लगाया था किरण चौधरी की ओर से लगाया गया है, लेकिन वही आपको बता दें कि किरण ने नजरअंदाज करने के कई आरोप लगाए थे। टिकट ना मिलने के बाद से किरण चौधरी नाराज चल रही थी, लेकिन आज चरखी दादरी में राहुल के सामने ये दोनों नेता आपस में तलख टिप्पणी करते हुए नजर आए हैं। रावदान सिंह और किरण चौधरी को आप देख पा रहे हैं किस तरह से राहुल गांधी के सामने यहां पर किस तरह से गुटबाजी का ये पूरा मामला सामने आया है। तो इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। देखिए तस्वीर पूरी तरह से यहां पर स्पष्ट हो गई है किस तरह से रावदान सिंह एक तरफ, दूसरी ओर आपको बता दें किरण चौधरी पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए बीच में राहुल गांधी बैठे हुए हैं और यहां पर दोनों सीनियर नेता को संभालते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं। चरखी दादरी से ये तस्वीर, आज चरखी दादरी पहुंचे हुए थे राहुल गांधी चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए और वहीं पर मंच पर ही दोनों नेताओं की तल्ख टिप्पणी देखी गई है। कुछ दिन पहले से ही नाराज चल रही है किरण चौधरी, टिकट ना मिलने के बाद से ही काफी ये नाराजगी सामने आई है श्रुति चौधरी किरण चौधरी की, और अब ये मंच पर भी सामने देखा गया है राहुल गांधी के सामने।